हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लिस। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं बीटा मार्ट सिमुलेटर। तो गाइस, आपको लास्ट एपिसोड में याद होगा, मैंने मतलब ज़्यादा कुछ अपग्रेड किया नहीं था, मतलब सिर्फ एक मतलब यार शेल्फ लगाया था बस उसमें, और सामान में ज़्यादा नहीं रखा, थोड़ा बहुत रखे थे सामान। तो देखते हैं अब क्या क्या और सामान सब है। तो चलते हैं हम लोग अपने शॉप की तरफ, चलते हैं, हम लोग को टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अभी 1000 रुपये हमारे पास में शॉप खुल गई होगी शायद, तो हमने चलते हैं अपनी गाड़ी से। पिकअप कार है हमारी, ये रहा हमारा प्यारा सा सिटी, और हम चलते हैं अपने गाड़ी में बैठते हैं। ये रही हमारी कार। तो हम लोग को पहले ना शॉप चल के थोड़ा सा सामान में ज़्यादा रखना पड़ेगा यार, मतलब बहुत कम। एक रैक भी खरीद लेंगे आज। देखो सामान में तो दिख रहे हैं यार, सही दिख रहे हैं। 9 भी बज गए तो नहीं सो जाता हूँ यार, एक क्योंकि 54% नहीं भी नहीं रहा से थर्स्टी उस्टी। तो सामान मतलब मेरे इन्वेंट्री में हो गई सर, खाने पीने का सब ले लेंगे। पहुँचता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। हम लोग अपने शॉप पर देखते हैं क्या क्या सामान ख़त्म हो गया, क्या क्या लाना है। इसको लगाते हैं पार्किंग में। इसका भी फ्यूल मतलब है भी अच्छा खासा है, 32 लीटर है अभी। तो हम लोग गाड़ी से निकलते हैं यहाँ पे। ये देखो, अरे यार इसका हेडलाइट क्यों ऑन है? अच्छा ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। नहीं नहीं ऑफ नहीं हुआ यार इसका हेडलाइट, कैसा मतलब पता भी नहीं चलता यार ऑफ हुआ कि नहीं। कोई बात नहीं, ऑफ़ कर देते हैं हम लोग। चलो हो गया ऑफ। अब हम लोग चलते हैं अपने शॉप पर, देखते हैं क्या क्या सामान ख़त्म हो गया। अच्छा अभी तो सामान है अच्छा खासा है वैसे सामान। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक रैक ले आऊँगा जाकर, पता करना पड़ेगा रैक कितने का। वैसे रैक की हाँ ज़रूरत तो है, लाना तो पड़ेगा यार रैक। चलते हैं एक बार उधर ही से, यार मुझे उधर ही से लेके आना चाहिए। कोई बात नहीं, चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से अपनी गाड़ी निकालते हैं, इसे टर्न कर लेते हैं। यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा वैसे, हाँ यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा, इधर ही से टर्न ले लेते हैं ना। मुड़ गया यार, गाड़ी की कंट्रोल मतलब सही है, इतनी अच्छी गाड़ी है। तो हम लोग लेंगे दूसरी गाड़ी, लेंगे एक मसल कार है इसमें। सबसे पहले तो वो 40,000 का लेनी यार, नहीं ट्रक लेना है सबसे पहले, क्योंकि ट्रक यार बहुत ज़रूरी है। 35,000 का है, कोई बात नहीं ले लेंगे हम लोग। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान रखेंगे ना तो बिक्री ज़्यादा होगी, पहले वो सब रखेंगे तो मतलब सही रहेगा यार। मतलब देखो 1590 रुपये हो गए, मतलब कमाई तो अच्छी खासी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादा कमाई होगी एक ही बार में। ये ले लो, वो ले लो। तो मैं पहले फर्नीचर देखने चलते कौन कौन सा फर्नीचर है। और ये देखो हमारा यहाँ पे बजट शॉप, सॉरी पेंटिंग शॉप ही, ये बजट है यहाँ पर बंदे घूम रहे हैं, कोई बात नहीं हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, चलते हैं शॉप में। अरे यार गाड़ी सही से मुड़ जा, टर्न नहीं लेती यार ये सही से। इसका ब्रेक भी अच्छी नहीं है, बहुत देर में ब्रेक लगता है इसका। ये देखो पिकअप तो बहुत ही घटिया है इसका, बहुत देर में स्पीड पकड़ता है, बहुत ही ज़्यादा देर में। कोई बात नहीं, अब क्या करें, दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो इसको गाड़ी को ना यहाँ पर लगा दो, मुझे अंदर लेके जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लेके आ गए तो आ गए पीछे। अब इसकी यही देखो, ब्रेक नहीं लगते इसके, जब तक इसको मतलब अच्छे से लगाओ ना ब्रेक, ये अपने आप ही चलने लगती है। देखो ये है लास्ट डिस्प्ले टेबल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में काम आएगा, जाहिर सी बात है डिस्प्ले टेबल है ये 500 रुपये का, तो ये तो लेना नहीं है। बेड है, बेड की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, इतने अमीर नहीं है यार कि मतलब बेड वेड लें अभी। और रैक को अच्छा देखा, ये तो शायद वेजिटेबल वाला है। हाँ ये कौन से लैंग्वेज यार, रैक बुआ ये क्या होता है भाई, ये नोज नहीं, इतना इतना बड़ा भी नहीं लेना भाई, थोड़ा मतलब लेना सही सा लेना, मतलब कि हाँ तो सामान थोड़ा सही लगे उसमें। ये $700 का, ये सही लग रहा है। नहीं नहीं ये भी घटिया है, कोई अच्छा से नहीं है यार क्या, बस सही तो ये लग रहा है मुझे, दोनों तरफ होगा ना ये। हाँ देखो दोनों तरफ ले लूँ या ना लूँ यार, छोटा सा ले लेते हैं वैसे ना, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखूँगा ये कम रखूँगा, तो ये ले लेता हूँ, एक ही ले लेते हैं बस। ये आया कहाँ वैसे, इन्वेंट्री में आया क्या, इन्वेंट्री में चेक करना पड़ेगा मुझे। हाँ स्टील रैक, चलो सही, ये बड़ा सा है थोड़ा, इसी में सामान रखेंगे। और इधर से कुछ सामान वन भी लेते हुए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, जबरी स्टोर कह रहा हूँ क्या नाम है उसका यार, स्टोर का नाम भी भूल गया हम, कोई बात नहीं वहीं पे देख लेंगे हम लोग। कदेर कदेक शॉप, हाँ कदेक शॉप नाम है उसका, चलते हैं हम लोग। तो इसी साइड है ना शायद वो, ये आगे की साइड है, इसी साइड है, यहीं से है। ये रहा पहुँच गए हम लोग मिस्टर कदेक शॉप, हाँ यही नाम है। अरे भाई रुक जा, पीछे रुकना है यार, कितना आगे ले आए गाड़ी, ये बहुत ही बेकार है यार। कोई बात नहीं ले लेंगे यार दूसरा, बहुत जल्द लेना पड़ेगा। रुक जा भाई रुक जा, यहीं पे उतरना है मुझे। ये अब ये आगे जाने लगेगा, बोलेगा भाई तुमने आगे जाने, बोले मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिक कार है लगता है मुझे। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ना लेस ले लेते हैं एक, हाँ 386 रुपये का है, कोई बात नहीं 10 पीस $70 का बिकता है ना वैसे। एक ये ले लेते हैं,
ये तो बहुत सही है यार, ये तो लेना पड़ेगा। और एक ना इसमें से ये वाला होता है रेड वाला पोटैटो की, ये तीन सही बिकते हैं मतलब। ये एक पैकेट और ले लेता हूँ, थोड़ा सही रहता। हाँ 54 डॉलर बचे, पूरा पैसा चूस के निकल गए हम लोग। कोई बात नहीं, सारा पैसा 1 रुपये भी खत्म, 1 रुपये में नहीं बचे। वैसे ना इसमें ज़्यादा मतलब 200 से ऊपर कोई सामान ही नहीं है इसमें, अब क्या कर सकते, नहीं है तो नहीं है भाई। अब उठा के बस रखना है इसको, यहाँ से उठा लेते पहले ये, इसको यहाँ पर रख देते हैं। चार बॉक्स है, चारों बॉक्स को लेके चलना है हम लोग इसको। रैक रैक जो हमारा नया वाला उसी में लगाएंगे। वैसे वो वाला तो अभी मतलब खाली हुआ नहीं है, हो तो जाना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग शॉप पे, उसके बाद आपको पहुँच के दिखाता हूँ। तो वैसे मैंने सारा सामान लिया है, अब मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ, जल्दी लगा दूँगा तो सही रहेगा। इस रैक इस वाले में लगाऊँ या उसमें लगाऊँ, स्टील वाले में? इसको हटा देता हूँ, ये बेकार लगता है, ये हटा देता हूँ। हट, वो लगाऊंगा, वो सही लगता है मुझे, तो उसी को लगाते हैं। नया रैक अपना जो आया आज, प्लेस आइटम। अभी मैं गलती से सेल कर देता है, अभी नुकसान हो जाता है हमारे पैसे। नहीं, इतना अंदर घुसा के नहीं लगाना भाई, दिखना तो चाहिए कम से कम। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर, बस बस, हाँ अब ठीक है। हाँ एकदम सही लगा भाई, एकदम चिपक के, ज़्यादा चिपका भी नहीं, ज़्यादा निकला भी नहीं। तो मैं जल्दी से लगा के आपको दिखाता हूँ फिर। सारा सामान लग चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब हम लोग ना, आज हम लोग का गोल ये है कि हम लोग फ्रिज खरीद करेंगे आज, ठीक है? आज कुछ भी हो जाए, हम लोग आज अपना फ्रिज खरीद करेंगे, और एक एक ना एक उसमें फिश या चिकन जो भी है वो ला कर रखेंगे, ठीक है? तो शॉप ओपन कर देते यार, मुँह पे आ जाते हैं ना एकदम, इसे सामान में लगा नहीं पाते, इसे मैं बंद कर दिया, ठीक है? तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर व्लोर कर लेते हैं। वैसे एक्सप्लोर क्या ही करें, सब तो एक्सप्लोर किया हुआ है। ऐसा करते ना, खाना वाना खा लेते हैं, खाना है हमारे पास, देखते हैं इन्वेंट्री में। नहीं खाना वाना तो नहीं यार, खाना देखो 1100 रुपये हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं वो सामान वामान खरीद लेते हैं, मतलब खाने वाने का, ठीक है? जूस वूस खरीद लेते हैं इधर से। तो ये रहा बाहर के शॉप। मैं इसके यार पिछली बार ढूंढने में कितना टाइम लग गया था, मतलब मिल नहीं रहा था यार, पता नहीं कहाँ चले गया था। अभी तो पहले पी लेते हैं, उसके बाद खरीदेंगे ना। तो जूस पी लेते हैं इससे, वो भाई सही है, ख़त्म हो गया। और इससे रखवा भी लेते हैं, टेक इट अवे करके ना, मतलब सही रहेगा यार, मतलब ऐसे हमारे पास कमी नहीं रहेगा ना, जब भी ख़त्म हो बस ले लो, यहाँ से दे दो भैया जल्दी। हाँ ये जूस, चलो अब हम लोग ना वो क्या बोलते हैं, हॉट डॉग भी खा ही लेते हैं। ये जो सामने हॉट डॉग वाला है, इसी को खाया था यार मैं, तो ज़्यादा पेट भर जाएगा इससे, लेकिन खाने में तो नहीं देगा यार, गड़बड़ है ना ये, अपने आप मतलब सही रह जाता है यार, मतलब एक ही बार में पूरा पेट फुल हो जाता बस। वो तो ऐसे ही बस बर्गर ही रहता है वैसे। चलो हंगरी भी ख़त्म हो गया, अब वैसे जाके तो कल ही सोएंगे। चलते हैं यार, देखते हैं फ्रिज कितने का है यार। 1100 में ख़त्म भी हो गया 2 मिनट में, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे जाकर। 2000 से तो कम नहीं होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं? 2000 से तो कम नहीं होगा, है ना? इसी साइड है ना फर्नीचर शॉप, इसी साइड मिलेगा फ्रिज भी। इसमें यार फिश से बहुत कम है, सही कह रहा हूँ, लाइक 1100 या कितने का शायद फिश है, मतलब वो तुम खरीद लो बस। और कितने 1200 या 1700 रुपये का शायद बिकता है, बहुत कमाई यार इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज तो फ्रिज तो खरीद के रहेंगे बस। तो देखते हैं यार फ्रिज व्रिज कितने का है। ये देखो सामान में तो सही बिक रहे हैं, वैसे 1300 रुपये हो भी गए इसी साइड है, फर्नीचर शॉप में ही वो फ्रिज का। तो मैं पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पहुँच चुके हैं हम लोग, देखते हैं यहीं पे गाड़ी रहते हो ना, मतलब सही है। देखो पार्क भी सही हो गई है, मतलब यार अंदर ले जाओ फिर इतना निकालो इससे, यहीं पे हम लोग यहीं से पैदल चलते हैं। तो देखते हैं यार फ्रिज है कैसा, वैसे ये है ना फ्रिज, और इससे कुछ 700 रुपये का फ्रिज है, फिर तो आराम से ले सकता हूँ मैं। चलो यार सही है, मतलब और कोई फ्रिज नहीं क्या इससे छोटा? नहीं छोटा तो नहीं यार कोई फ्रिज, ये फ्रिज है नहीं, ये तो शेल्फ है, ये रैक है, ये भी रैक है, ये भी रैक है, ये भी रैक है, ये भी रैक, क्या है फिर, बस एक ही फ्रिज है क्या इसमें?
ये क्या है? ओ एक्वेरियम है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी लेंगे हम लोग बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो डेक अभी अपने शॉप तो सही कर लें, उसके बाद डेकोरेशन का कुछ लेंगे, तो ये तो लेना बनता है। चलो ये ले लें, और मैं आपको दिखाता हूँ वो फिश। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बीटा मार्ट सिमुलेटर में आप जो शॉप का नाम बोले को वही मैं रखूँगा, आप लोगों ने बताया नहीं यार, आप लोग बता देना इस वाले एपिसोड में, तो कम से कम बता ही देना कमेंट में कि क्या नाम रखना चाहिए मुझे अपने बीटा मार्ट शॉप का। तो आप लोग जो बताओगे मैं वही रख दूँगा, ठीक है? तो हम लोग यहीं पर चलते हैं, सामने बजट शॉप है। अरे यार स्लीप के लिए आ गया नोटिफिकेशन, मुझे जाना पड़ेगा अब सोने के लिए। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, पहले मैं आपको फिश दिखा देता हूँ कैसा है। अरे यार बहुत सही, उससे कमाई तो इतनी अच्छी होगी ना, आप कुछ कह नहीं सकते मैं। रुक भाई रुक, बस यहीं पे, ये तो 10 घंटे में रुकता है ना गाड़ी, बहुत ही बेकार है। नहीं आपको दिखाता हूँ यहीं पे शायद, हाँ देखो वो रहा जम्बो फिश नाम है उसका। ये रहो भाई देख रहे हो, 700 रुपये का तुम खरीदो, 1100 रुपये बिकेगा। एक तो लेना बनता है, दो ले लेता हूँ ना, नहीं, एक और कुछ देख लेते हैं, ये ले लेता हूँ 200, 300 भाई, 2 पैकेट ले लो ये, और आ जाएंगे तो और ले लूँगा मैं। वाह ये 3 पैकेट ले लिया, चलो गाड़ी में रखवाते हैं अपना पहला फ्रिज के लिए पहला सामान। सही है, ये भी ले लेते हैं। हाँ तो ये रॉ फिश, अब देखना भाई इससे कमाई जो होगी, अब तो 1 मिनट के अंदर अमीर बन जाएंगे, 1 मिनट के अंदर, कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने वैसे, लेकिन बन जाएंगे, बस इतना तो कहता, मतलब जल्दी बन जाएंगे यार, वो जब हिसाब से उतनी कमाई नहीं यार, 10-10, 20-20 डॉलर की क्या सामान बिकेंगे, आप देखो 350, 700 ऐसे बिकेंगे यार, मतलब एक फिश से 761 डॉलर मिलेगा, नहीं 761 का हमने ख़रीदा है, 1100 का एक फिश बिकता है, अब सोच लो कितनी कमाई होगी भाई। अगर मान लो मैं 4 या 5 फिश ला के रख दूँ यार, तो 5-6 हज़ार तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो सही यार इसकी कमाई बहुत अच्छी है इस फिश। तो मैं आपको शॉप पे चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ जी हमने शॉप पे। तो ऐसा करते हैं पहले फ्रिज लगा लेते हैं, फ्रिज के लिए जगह वैसे कौन सी सही रहेगी, उस साइड लगा देता हूँ, नहीं यार इस साइड नहीं, यहाँ पे लगा देता हूँ ना ऐसे लंबा करके। हाँ पहले निकाल तो लेता हूँ फ्रिज, ये रहा हमारा फ्रिज प्लेस आइटम, इसको थोड़ा रोटेट ऐसे करके लगा देते हैं ताकि आने वाले कस्टमर को थोड़ा दिख भी, तो यहाँ भाई कुछ रखा हुआ है इसके अंदर, सही है करेक्ट एकदम, इसको लगा दिया मैंने। ये देखो ओ भाई सब, ढक्कन भी खुलता है इसका, ढक्कन कह रहा मतलब इसका डोर भी खुलता है, स्लाइडिंग वाला डोर है, सही है। हम लोग ये फिश लगा देते हैं, इसको उठाते हैं पहले, इसको ना मतलब अरे कहाँ ले जा रहा हूँ यार, शॉप इधर है, ये भी लगाएं, ये तीनों मतलब सही से लगाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ तक वहाँ रख दिया, बस जहाँ वहाँ नहीं रखेंगे बस, सही। ओ सारा सामान बिक गया, सिर्फ एक चिप्स बचा हुआ है बस, ये भी टाइम नहीं लगे, ये भी बिक जाए, आ गया कस्टमर ये भी ले लेगा। ये मैंने शॉप बंद करके हमेशा सामान लगा, तो यार मुंह पे आके खड़े हो जाते हैं, मुझे तो सामान लगाने में दिक्कत होती है यार, एक बार सामान लगा के दिखाने में थोड़ा मज़ा अलग आता है, एक ही फिर लगाते जाओ बिकते जाएगा, तो वो मतलब सही नहीं है, बंद कर देते हैं इसको, वो तो बिक ही गया होगा स्टेटस में, इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने आपको सारा फिश विश लगा के उसके बाद दिखाता हूँ। मैंने देखो पूरा सामान लगा चुका है, तो सही है, मतलब सही लग रहा है, अब शॉप ओपन कर देते हैं, ठीक है देखते हैं यार, मतलब वो फिश बिक गया ना भाई तो मज़े आ जाएंगे कसम से, पहले इसको खोल देते हैं शॉप को, और मैं गए आप लोग नाम बता देना, ठीक है मतलब नाम मैं उसी हिसाब से फिर रखूँगा, आप लोग जो नाम बताओगे मैं वही नाम रख दूँगा। तो बैक करते हैं इसको, देखते हैं और क्या क्या है, नहीं और कुछ, अब सारा सामान बिक गया देखो, कुछ भी नहीं बचा इसमें, ये भी ले जाते हैं रैक भी, रैक भी क्यों रखा रैक को लेकर से करेंगे क्या, उन्हें दुकान थोड़ी खोलनी है। तो हम लोग हाँ ये तो ओपन है, मतलब हम लोग सामान उन्होंने से ऑर्डर भी करवा सकते हैं शायद, इसमें हमारा स्टेयर रखा हुआ था ना, स्टेयर है कि नहीं, हाँ स्टेयर है, ऐसे हमने चोरी वोरी तो नहीं कर लिया किसी ने। तो गलती मैं ऐसा करता हूँ, मैं सो के आया था क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, सही नहीं है ना, और उधर से आऊँ जब तक तो सामान में भी सारे बिक जाएंगे, ऐसा करता हूँ मैं घर पहुँचता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ऐसे हम लोग पहुँच चुके अपने घर, अपने जाकर हम लोग सो जाते हैं, बेड शेड से ऊपर है ना हमारा, तो चलते हैं ऊपर और सो जाते हैं। अरे बेड नहीं यार, मेरा बेड नहीं आए थे क्या? अरे बेड शायद ख़रीदना पड़ता है यार, मैं फर्नीचर शॉप गया था, ख़रीदा क्यों नहीं यार मैंने, शायद इन्वेंट्री में तो नहीं, इन्वेंट्री में चेक कर दें, मेरे ख्याल से मुझे याद है इन्वेंट्री में तो कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ भी नहीं है यार, शिट तो गलत हो गया यार, मुझे लेना चाहिए था,
कोई बात नहीं, जाके ले लेते हम लोग। 91 हो गया यार, जल्दी सोना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मार मार के जाने लगेगा फिर ये। यार मुझे पहले पता, ओ फिश बिक गया, देखो कमाई देखो तुम। अभी 1 ही मिनट के अंदर 3.5 4,000 रुपये हो गए भाई, 3.5 कह रहा था मैं, 4,000 रुपये हो गए। लो अब क्या चाहिए भाई, कितनी अच्छी कमाई। अब पता क्या, हम लोग अगला गोल ना, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉप कर गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे खरीदेंगे। मतलब देख रहे यार कमाई, देखो मैं 4,000 कह रहा था, 4,500 रुपये, सॉरी 4,300 रुपये हो गए। मतलब यार कमाई बहुत है इसमें जो बात। तो हम लोग जब जाए ना तो अच्छा ही बेड खरीदेंगे, और नकली वाला बेड भी खरीदेंगे। इस गाड़ी को छोड़ते हैं मेरे को, ठीक है, हम लोग यहीं से छलांग मार के चलते हैं, जो कि हम लोग नहीं मार सकते हैं। कोई बात नहीं, हमने जाकर अपना बेड बेड ले लेते हैं और देखते हैं यार। और नहीं, फ्रिज तो अभी एक ही सही है यार, दो फ्रिज लेके क्या करेंगे, एक फ्रिज तो पहले फिल हो। तो ये है 500 वाला बेड, ये है 700 वाला, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, तो यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। 200 रुपये का फ़र्क है, 200 में इतना अच्छा बेड मिल रहा है, वही लगा लेते हैं हम लोग और जल्दी से सो जाएंगे। नीचे ही लगाएंगे, ऊपर उतना कौन जाएगा बार बार सोने के लिए, है ना, नीचे वीचे लगाएंगे। फिर अपना घर वर को भी डेकोरेट करेंगे। अगला हम लोग को गोल है इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना, क्योंकि हमने फ्रिज वाला गोल तो कम्प्लीट कर दिया, सारा सामान बिक भी गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसलिए कस्टमर वस्टमर भी नहीं आ रहे अब। नहीं, सामान तो नहीं बिका, अभी बिक रहे अभी सामान, क्योंकि फिश यार 3 डबल आया था, मैं एक में तो 4 दे रहे, 4 या 5 थे तो याद नहीं, 4 दे रहे यार, बहुत सस्ते फिश छोटे वाले तो। मतलब यार एक फिश $350 का बिक रहा है, मतलब कमाई बहुत है यार सच में। मतलब कदेक शॉप क्या यार, कदेक शॉप, हाँ कदेक शॉप अच्छी खासी कमाई है। तो हम लोग यहीं पर बेड लगा लेते हैं, 93 हो गया भाई, जल्दी से बेड निकालना पड़ेगा ये। मैंने 2 बार बेड खरीद लिया क्या, अरे तेरी यार शिट, एक तो बेचना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैंने 2 बेड खरीद लिया भाई, मैं को यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने खरीदा हुआ है शायद, मुझे पहले चेक करना चाहिए था। यहाँ पे लगाऊँ, ये रूम रूम में लगाते हैं यार, यहाँ पे सही नहीं लग रहा, तो रूम में लेके चलते हैं। तो ये रहा हमारा बेडरूम, यहाँ पे बेड लगा देते हैं जो कि लग चुका है, हम सो जाते हैं इस पर। अरे यार बेड से क्या बात करने का, डायरेक्ट सो जाओ, मतलब बेड से भी बात करने का रहा, बेड से क्या बात करेंगे। हो गई रात, नहीं रात तो नहीं हुई, टायर्ड पूरा ख़त्म। अब देखो कितना फास्ट भाग रहा हूँ मैं, उछल भी फास्ट रहा हूँ। अब थर्स्टी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, 0% हो गया ना एकदम, नींद पूरी ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं शॉप पे, थोड़ा सा देखते हैं सारा सामान बिका। देखो 5,000 रुपये हो गई अभी, मैंने मतलब समझ लो 1,400 रुपये तो उड़ा ही दिए थे अभी बेड में, 700 रुपये का एक बेड था, मतलब 1,400 रुपये उड़ाए या 5,000 रुपये भाई, कमाई बहुत है यार इसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप में देखना है कितनी कमाई होती है, उसमें भी बहुत होगी, क्योंकि उसमें ना CPU मॉनिटर ये सब बहुत महंगे महंगे यार, उनको देंगे 16 लीटर पेट्रोल। यार मुझे पेट्रोल भी भराना पड़ेगा इसमें, कोई बात नहीं भरा लेंगे, पैसे की तो कमी है नहीं। अब हम लोग कह सकते हैं कि पैसे की कमी नहीं, अभी तुम लोग यार ट्रक वर्क भी सब कुछ लेना यार, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करेंगे यार धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। अरे इसका पेट्रोल भरा लेते हैं यार, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना इसे। अमीर देखो यार, अमीर हो गए हम लोग थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं रह सकते ना, अमीर हमारा शॉप है, मतलब एक फ्रिज रखा वो अलग बात है, लेकिन अमीर तो है भाई, हम एक फ्रिज ला कर रखते हैं, महंगा ही रखते हैं लेकिन रखते तो हैं भाई। मतलब सही यार, पैसे से अच्छी कमाई हो रही है हमारी शॉप यहाँ से। देखो बेस्ट बर्गर भी यहाँ से, हमें कुछ नहीं लेना है अभी, क्योंकि हमारे पास मैंने वहीं से उससे खरीद लिया था, वो जो है ना बर्गर मैन, उसको बर्गर मैन कहता हूँ। यहाँ से अब इससे बात करना पड़ेगा पेट्रोल पंप से। अरे यार अभी सेट खड़ा करो उसको, ये ना मतलब एकदम प्रॉपर खड़े करने बोलेगा, तभी मैं जाके पेट्रोल भरा सकता हूँ, मतलब दिखाएगा कुछ नहीं, बस खड़ा कर दो प्रॉपर। तो कर दिया मैंने, अब भरेगा ये नहीं भरेगा ये देख। अबे यार ये गाड़ी क्या कहूँ मैं, से मतलब समझ नहीं आ रहा, तो भर देगा। हाँ तो मेरे 30 लीटर वाला भरा लेता हूँ, पूरा फुल तो हो जाना चाहिए, काफ़ी काफ़ी नहीं यार, बहुत सही भरा गया, सही भरा, मतलब ज़्यादा भी नहीं भरा है ना कम भरा है, मतलब पूरा फुल हो गया पेट्रोल। अब तो सामान में सारा ख़त्म हो गया, देखो कस्टमर उसमें रात नहीं रहे, मतलब समझ लो हमने 6 से 7 हज़ार रुपये कमा लिए, सिर्फ 3 डब्बे छोटे फिश में, एक बड़े फिश में, इसको यहीं पे लगा के ऐसे छोड़ दो बस 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 बस। यार इसकी हैंडलिंग भी अच्छी नहीं है, बहुत घटिया गाड़ी यार, मैं
ओए पीछे नहीं यार, पीछे नहीं, क्या गाड़ी है यार, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, समझ में नहीं आ रहा। नहीं यार पीछे क्यों जा रहा फिर? मैंने कितनी बार, 10 बार ब्रेक दबाया यार, तब रुकती जाके। हाँ देखो सारा सामान बिक गया, तो अब तो कुछ, अब अगला गोला मारा वही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए। और कहते मुझे ज़रूर बताना कि बीटा मार्ट का मतलब ये क्या कहते हैं, मतलब उसका नाम ज़रूर बताना कि मुझे नाम क्या रखना चाहिए बीटा मार्ट का, ठीक है? तो गैदर अगर आपको मेरी वीडियो, तो आज के स्लॉट में इतने रखते हैं, तो गैदर अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे नई गेम ट्राई करनी चाहिए कि नहीं। तो गैदर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।